Hello guys, welcome back to the channel with another new fresh blog. This is Sangeet here and you are watching Indian Gorkha Blogs. तो guys, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज थोड़ा सा वीडियो जो है मैं अलग तरीके का बना रहा हूँ. कुछ एडवेंचरस नहीं, लेकिन एडवेंचर करने के लिए काफी जरूरत की चीजें मैं आप लोग के साथ में इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ और इसका अनबॉक्सिंग भी करने जा रहा हूँ. जी हाँ दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल में आप लोग को फोटो से पता चल गया होगा कि मैंने परचेस किया है अमेजोन से एक चेयर, कैंपिंग चेयर और साथ में जो है कैंपिंग टेबल, ठीक है, जो कि हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा आपको यूज करके भी मैं दिखाऊंगा कैसा रहेगा. और जल्दी से जल्दी मैं कुछ एडवेंचरस चीज करने जा रहा हूँ, कैंपिंग वगैरह एकदम अलग सा बढ़िया सा लोकेशन में, तो ये सारा चीज मैं यूज करने जा रहा हूँ. ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस ये है एक कैंपिंग टेबल जो कि जहाँ पे हम लोग खाना वाना बना सकते हैं अपना स्टोव वगैरह चूल्हा वगैरह रख के. और दूसरा जो है यह जो है कैंपिंग चेयर. तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं. तो गाइस ये देख सकते हैं, ये जो है कैंपिंग टेबल जो कि छोटा सा है जिसको फोल्डेबल है. और यहाँ साथ में देख सकते हैं आप ये फोल्डेबल चेयर. ठीक है, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा बैठता हूँ और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ आप लोग को दिखाता हूँ. तो उतना खास तो है नहीं, फिर भी मेरा काफी जरूरत मतलब ये काम में आएगी. ठीक है, काफी हेल्पफुल है कैंपिंग के दौरान. तो गाइस ये है कैंपिंग फोल्डेबल टेबल और साथ में चेयर, फोल्डेबल चेयर, कैंपिंग चेयर, जो कि देखने में तो कुछ ऐसा है, लेकिन क्या है ना कि ये काफी हेल्पफुल होगा मुझे कैंपिंग करते समय. तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है. अमेजोन का लिंक मैंने नीचे दे दिया है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो इसको. और साथ ही में अगर आपको अच्छे लगे तो ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले. तो छोटा सा एक सिनेमैटिक शॉट के साथ में मिलते हैं फिर से. गाइस ये है एक कैंपिंग फोल्डेबल टेबल जिसको हम लोग पहले तो जैसे कि यह है अनबॉक्सिंग तो देख ही लिए है, इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं. एल्युमिनियम बॉडी में है, काफी बढ़िया है गाइस, जो कि हल्की भी होगी जिसकी वजह से आपको कैरी करने में काफी आसान हो जाएगा. और साथ में देखिए इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं और जिसका जो है ये जो है स्टैंड जो है इस तरीके से अंदर चली जाती है. ये देखिए, तो इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे आपको फिर एक ग्रिप के लिए जो कि जहां से हम लोग इसको इधर उधर ले जा सकते हैं और इसको टाइट कर सकते हैं इस तरीके से. ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म थोड़ा सा दिया गया है और काफी बढ़िया सा सरफेस जहां से हम लोग जहाँ जिसके ऊपर रखे हम लोग चॉपिंग भी कर सकते हैं. साथ में गैस चूल्हा वगैरह जो छोटा सा कैंपिंग चूल्हा आते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं और साथ में चॉपिंग जो भी है हम लोग यहीं पर कर सकते हैं. और साथ में इजी टू कैरी है, देखिए ये जो है इजी टू कैरी है. उतना जगह मतलब क्या है कि स्पेस थोड़ा आपको लेगा लेकिन फायदा काफी सारा है. ठीक है, तो ये देख लीजिए आपको कैंपिंग टेबल, कैंपिंग फोल्डेबल टेबल और ये है चेयर. ठीक है, चेयर का बात करने से पहले मैं इसको फिर से जैसे कि तैसे इधर रख देता हूँ, सेटअप कर लेता हूँ. एकदम आसान सा है सेटअप, कुछ ऐसा ये देखिए. ये हो गया हमारा सेटअप रेडी. ठीक है, अभी ये हो गया रेडी. अभी देखिए ये कैंपिंग चेयर जो कि काफी बढ़िया है. ठीक है, और यहाँ पे मग होल्डर भी दिया गया है अगर आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या तो आप कॉफी वगैरह पीते हैं तो. ठीक है, यहाँ पर बनाइए और साथ में यहाँ पर रखिए. ठीक है, और काफी वेट भी काफी ये एकदम संभल सकता है जिससे. और जो है अगर आप फोल्ड करेंगे इसको तो काफी छोटा सा हो जाता है. और इसका जो है आप फोल्ड करके आप इसके एक छोटा सा एक कैरी बैग जैसा है वहां पर आप डाल भी सकते हैं. ठीक है गाइस,
तो काफी अच्छा लगा मुझे। और ये जो है कितना का पड़ा, नीचे लिंक दिया गया, आप देख सकते हैं, और ये कितना पड़ा वो भी आप देख सकते हैं। चलिए तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इससे बढ़िया सा जो एक अच्छा सा कैंपिंग वाले लोकेशन में, जहां पे मैं ये दोनों प्रोडक्ट को यूज करते हुए मैं कैंपिंग करूंगा, जिससे आपको देखने को अच्छा मिलेगा। और कैंपिंग का वीडियो के लिए आप अगर इस वीडियो को अच्छे से अच्छा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं कैंपिंग वाला वीडियो लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले। चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार अगले वीडियो पे।